भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नृशंस हत्याकांड को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला लगातार जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अब कहा है कि बंगाल के बीरभूम में जो हत्याएं हुई हैं उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। बंगाल में जिस तरह से 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए वाकई में चिंता का विषय है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हो गया है कि महिलाओं और बच्चों को जलाने से पहले बर्बरता पूर्वक उनको मारा पीटा गया था और अधमरे में ही उन्हें जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने आज तक बीजेपी के भी करीब 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई केस नहीं चले। आपको बता दें कि बंगाल में पिछले एक हफ्ते में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, मगर राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है।